हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये चैप्टर में हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कवर किया है। लेट अस स्टडी वन मोर टाइप ऑफ मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है, इट इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कहां से आया, वो हम हायर स्टैंडर्ड में सीखेंगे। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेना है एंड एकदम इजी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग कर सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। बट देयर इज वन कंडीशन हियर, दैट योर लीनियर इक्वेशन, बोथ ऑफ द लीनियर इक्वेशन शुड बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्स और वाई के साथ साथ आपको कॉन्स्टेंट भी एलएचएस में चाहिए, आरएचएस में जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह ध्यान रखना है एंड सेकेंड, यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला आई नो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बट मैं आपको इसका शॉर्टकट देता हूं इजिली कैसे याद रख सकते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोसीजर में पहले x को मैं वन वाले इससे इक्वेट करता हूं पूरे टर्म से एंड देन x का वैल्यू मिल जाता है, और y वाले टर्म को इससे इक्वेट करता हूं तो y का वैल्यू मिल जाता है। मतलब आपका टोटल दो पार्ट में होगा ये सम। पहले आपको x का वैल्यू मिलेगा बाय कंपेयरिंग दिस होल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस, वन से कंपेयर करेंगे एंड y को भी जो वन अपॉन है पूरा टर्म उससे कंपेयर करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप बोलोगे सर ये बी वन सी वन बी टू सी टू ये सब क्या है, तो स्टूडेंट्स ये सारे कोएफिशिएंट है, देखो ना ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, तो वो आपको किसकी मदद से मिलेंगे, इक्वेशन की मदद से मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है एंड आंसर लाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया हुआ है, हम लोग पहले सीखते हैं कि ए वन बी वन सी वन का वैल्यूज कैसे ढूंढते हैं या ए टू बी टू सी टू का। तो पहले तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जैसा मुझे ये फॉर्म में चाहिए, दिस फॉर्म इज कंपल्सरी ओनली फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ पे पहले मुझे करना पड़ेगा ये 46 को वहां पे भेज देना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू जीरो। तो कंपल्सरी आपको आरएचएस में इक्वल टू जीरो करना है। अभी तक मैंने सम स्टार्ट नहीं किया, अभी फ्रेम कर रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू जीरो। स्टिल फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, हम लोग पहले कोएफिशिएंट्स ढूंढ लेते हैं। तो इफ यू कंपेयर ए वन, जो फर्स्ट इक्वेशन है ए वन का वैल्यू टू आएगा, देन बी वन का वैल्यू आएगा थ्री एंड सी वन का वैल्यू आएगा माइनस 46। प्लस माइनस भी आपको ध्यान रखना है, तो ये पूरे इक्वेशन से मुझे ए वन बी वन सी वन मिल गया। वैसे ही आई नीड टू फाइंड ए टू, थ्री आएगा लुकिंग एट अनदर इक्वेशन, बी टू आएगा फाइव एंड सी टू आएगा माइनस 74। तो आई होप आपको समझ रहा है कि यहाँ पे हम लोग ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं कंपेयर करके। अब ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यही क्वेश्चंस के लिए, यही ए वन बी वन और सी वन के लिए, या बोल सकता हूँ ये इक्वेशन के लिए आपको सॉल्विंग बता रहा हूँ। ए वन का वैल्यू टू है, बी वन का वैल्यू थ्री है, सी वन का वैल्यू माइनस 46 है, ए टू का वैल्यू थ्री है, बी टू का वैल्यू फाइव है एंड सी टू का वैल्यू माइनस 74 फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है। तो फॉर्मूला जैसे मैं बता रहा हूं, जो शॉर्टकट से बता रहा हूं वो शॉर्टकट से आप याद रख लेना। सो एक्स अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू वन अपॉन, पहले ये लिख दो, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन माइनस वन अपॉन। अब यहां पे मैं वैल्यू डालूंगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ राइट हैंड साइड। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ए बी ए बी, ठीक है। पहले क्या लिखना है आपको, ए बी ए बी, ठीक है।
यहां पे आपको लिखना है CACA, ठीक है, और यहां पे आपको लिखना है BCBC, ठीक है। तो पहले क्या लिखा हम लोग ने, 1 अपॉन ABAB, फिर Y अपॉन CACA एंड X अपॉन BCBC। तो ये मैं स्टार्ट किया था राइट हैंड साइड से, राइट से मैं लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब इसका एक शॉर्टकट मैंने बनाया है, 1 अपॉन ABAB, AB मींस व्हाट, अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन का नाम तो सुना ही होगा, तो अभिषेक बच्चन। अब देखो ये अभिषेक बच्चन सीधा है, यहां पे उल्टा, एसी लेने, एसी लेने, आप एसी नहीं लिखोगे, आप सीए लिखोगे, पर उल्टा है, एसी लेने, राइट हैंड साइड से पढ़ रहे, ये आपको सीधा लिखना है ABAB, अभिषेक बच्चन एसी लेने, अभी ये भी उल्टा, चोर बाजार गया, है ना, इजी। तो यहां पे आएगा अभिषेक बच्चन एसी लेने, चोर बाजार गया, है ना, इजी। खाली आपको याद रखना है पहला नाम AB सीधा है, बाकी दोनों उल्टे हैं, AC एंड CB, दैट इज चोर बाजार गया। फिर आपको क्या करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 एंड बीच में माइनस साइन डाल देना, तो इजी हो जाएगा। अभिषेक बच्चन AC लेने, चोर बाजार गया, अभी ऑब्वियसली वो बड़े लोग हैं तो चोर बाजार तो नहीं जाएंगे, सपोज कोई फिल्म में था, कोई फिल्म में उसको रोल मिला था तो वहां पे वो चोर बाजार गया था AC लेने, नहीं तो अमिताभ बच्चन छोड़ेंगे नहीं। अब देखो यहां पे आ गया मेरा एक फॉर्मूला, रेडी हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू जस्ट सॉल्व इंडिविजुअली। पहले मैं एक्स के लिए सॉल्व करके बताता हूं, फिर वाई के लिए। तो एक्स विल गेट इक्वेटेड टू दिस, तो एक्स अपॉन, ठीक है, यहां पे लिख देंगे एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, B1 C2। अब देखो यहां से वैल्यू देखना, B1 into C2, तो B1 into C2 दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, -74 into 3, ठीक है, माइनस, इधर माइनस साइन है। B2 का वैल्यू यहां पे 5 है, C1 का वैल्यू -46 है, तो ये सब्स्टिट्यूट करना हूं सिर्फ वैल्यूज, ठीक है। 1 अपॉन, अभी इधर देखेंगे 1 अपॉन, ये और ये सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको x का वैल्यू मिले, तो a1 b2, तो 2 into 5, माइनस a2 b1, तो 3 3, देखते हैं कैसे वैल्यू मिलता है। सॉल्व करेंगे x अपॉन, अब 74 into 3 करेंगे, तो 4 3 12, कैरी 1, 7 3 21, और कैरी 1 है तो 22 आएगा, तो 2 2 2 आएगा, -2 2 2। अब एक है माइनस माइनस, यहां पे हो जाएगा प्लस, 46 into 5 करेंगे, 6 5 30, कैरी 3 5 4 20, ये आ जाएगा 230 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पे तो इजी है, 2 5 10, -3 3 9। अब आएगा x अपॉन -222 +230, तो साइन ग्रेटर नंबर की प्लस है तो प्लस आंसर आएगा, 230 में से 222 गया तो 8 आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 8, तो है ना इजी, x इज इक्वल टू 8 मिल गया। आपको खाली क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, उसकी भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक बना दी है, अभिषेक बच्चन AC लेने, चोर बाजार गया, अभिषेक बच्चन सीधा है नाम, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा AC, चोर बाजार गए, तो गड़बड़ नहीं होगी, एग्जाम में भी याद रह जाएगा। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y बाय कंपेयरिंग y विथ दिस, तो y को भी आपको कंपेयर करना है, तो y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब y का क्या है, C1A2, तो -46 into 3, माइनस, अब आया C2A1, तो -74 into 2, ये माइनस अलग है, इसका माइनस अलग है, ठीक है, 1 अपॉन, अभी ये तो आपको पता है, ये तो अभी हम लोग ने फाइंड किया, तो वो चुपचाप लिख देंगे 2 into 5, -3 3, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे, तो y अपॉन 46 into 3, 3 6 18, कैरी 1 3 4 12, 138, -138, -, प्लस 74 का डबल आ जाएगा 8 148 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो आपको पता ही है, मिला है देखो ना, 10 -9,
तो y अपॉन यहाँ पे आएगा 148 माइनस 138 आएगा 10 इज इक्वल टू 1/1, तो y का आंसर आ जाएगा cos मल्टीप्लाई करने के बाद 10। तो आई होप आपको ये समझा, थोड़ा सा आपको ये लेंदी लगता होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू मेथड्स, बट एक बार फॉर्मूला आ गया तो ये सॉल्विंग इजी पड़ता है। तो एज आई टोल्ड यू इन वर्ड प्रॉब्लम्स, आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के बाद वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा मेथड आपको इजी पड़ रहा है, दैट इज योर चॉइस आपको कौन सा इजी पड़ता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सम्स सो दैट आपका इसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो। लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड देखते हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड्स 2-3 पार्ट्स टूगेदर एंड वन ऑफ द पार्ट इज सॉल्व द गिवन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और भी आगे के पार्ट्स हैं जो हम लोग आगे के लेक्चर्स जो है हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। तो वो पार्ट्स को अभी हम अलग रखते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है, आप देखोगे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है, जिसमें सी को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी साथ में लेना पड़ेगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये रूल के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल दैट आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू पहले ही लिख दो तो आपको अच्छा पड़ेगा। सो a1 का वैल्यू आएगा 2, B1 का वैल्यू आएगा 1, C1 का वैल्यू आया -5। डोंट फॉरगेट द माइनस साइन ऑल्सो, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू -8। तो ये हो गया हमारा फ्रेमिंग, अब हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो एज आई टोल्ड यू फॉर्मूला x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन, तो अभिषेक बच्चन एबीएबी एसी लेने, तो मैं देखो एसी ऐसा उल्टा लिख रहा हूं, चोर बाजार गया, चोर बाजार ऐसे उल्टा लिख रहा हूं, तो याद रख लेना 1-2, 2-1, 1-2, 2-1, 1-2, 2-1, माइनस माइनस माइनस, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो पहले यहां पे एक्स का ले लेते हैं, तो एक्स अपॉन एक्स का ले लेंगे तो एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं b1 c2 b1 b1 एंड सॉरी ये तो b2 है, सॉरी हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे b1, ओके तो b1 एंड c2 बाजू में ही है, तो 1 into -8, तो 1 into -8 माइनस b2 c1, b2 का वैल्यू है 2 एंड c1 का वैल्यू है -5, तो माइनस है तो भी लिखना पड़ेगा। अब 1 upon a1 b2, तो a1 एंड b2, तो 2 into 2 माइनस a2 b1, तो 3 into 1, तो आई होप आपको क्लियर है। तो x अपॉन 1 into -8 -8, -5 into 2 -10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 upon 2 to the 4 -3, तो x अपॉन -8 + 10 आ जाएगा 2, इज इक्वल टू 1 upon 1, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, x का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y का वैल्यू, सो y अपॉन c1 8 y अपॉन n 1 upon 1 upon का तो आपने वैल्यू ढूंढा ही है, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो y c1 a2 तो -5 into 3 माइनस c2 a1 तो -8 into 2 एंड इसका तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 - 3 इस पे से। तो y अपॉन -15 - 8 into 2 - 16 +16 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 upon 1, तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 upon 1, तो y इज इक्वल टू 1, है ना इजी। तो ये हो गया आपका पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यू शुड रिमेम्बर द फॉर्मूला, दैट्स इट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। तो पहले आप देख सकते हो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है एज पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के इसके अंदर।
सो डायरेक्टली आई विल राइट ए वन वैल्यू, ए वन इज वन, बी वन इज माइनस थ्री, आपको सिर्फ कंपेयर करना है सी वन इज माइनस सेवन। यहां पे देखेंगे तो ए टू थ्री है, बी टू माइनस थ्री है और सी टू माइनस फिफ्टीन है। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दोगे जैसे प्रीवियस लिखा है, एक्स अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू वन अपॉन, ठीक है। तो पता है आपको अभिषेक बच्चन, एसी लेने चोर बाजार गया, तो बाद में हम लोग माइनस का साइन डाल देंगे, अभी पहले मैं लिख देता हूं सिर्फ सीए जिसमें लिखा रहा एसी लेने चोर बाजार गया। लिख देंगे वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू टू वन और माइनस का साइन डाल देंगे, क्लियर। सो लेट अस सॉल्व दिस इंडिविजुअली फॉर एक्स एंड वाई। तो एक्स अपॉन डायरेक्ट लिखता हूं बी वन सी टू माइनस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन, यहां पे गड़बड़ मत करना प्लस माइनस का। बी टू का वैल्यू है माइनस थ्री, सी वन बी टू सी वन दैट इज माइनस सेवन इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू, तो वन इंटू माइनस थ्री, यहां पे माइनस वाले ज्यादा है तो संभाल के, ए टू बी वन तो थ्री इंटू माइनस थ्री, ठीक है। तो यहां पे आ गया ए वन बी टू एंड ए टू बी वन। लेट अस सॉल्व दिस, माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, फिफ्टीन थ्री जो 45। अब यहां पे देखो माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन प्लस हो जाएगा, ये साइन ऐसे का ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू वन अपॉन, यहां पे आ जाएगा वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन, माइनस नाइन ये आ जाएगा प्लस नाइन। तो एक्स अपॉन 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 24 इज इक्वल टू वन अपॉन, नाइन माइनस थ्री हो जाएगा सिक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 24/6 दैट इज आंसर आएगा इसका 4। तो एक्स का वैल्यू यहां पे हम लोग को 4 मिल गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको यही मेथड से करना है। लेट अस स्टार्ट विद वाई, सॉल्विंग ऑफ वाई, सी वन ए टू माइनस सेवन इंटू थ्री माइनस सी टू ए वन तो माइनस फिफ्टीन इंटू वन, और ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस थ्री प्लस नाइन, घड़ी घड़ी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो y अपॉन माइनस 21 प्लस 15 इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, तो y अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, y इज इक्वल टू 6/6 तो y का वैल्यू आएगा 1। तो y और x दोनों मिल गया, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। तो आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला भी समझा एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन द गिवन क्वेश्चन वो भी आपको क्लियर है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्लियर है। अगर एग्जाम में आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है तो यू हैव टू कंपल्सरी यूज दिस मेथड। अगर आपको ये कंफर्टेबल है तो आप ये मेथड से कर सकते हो। इफ खाली सॉल्व बोला है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 3.5 थर्ड क्वेश्चन। अगेन इन दिस क्वेश्चन देर आर टू पार्ट्स, हमको ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी करना है एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी करना है। तो एज यू ऑल नो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने आप से कर लेना, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब स्टार्ट करेंगे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का वैल्यू ढूंढना। तो a1 आएगा 8, b1 आएगा 5, c1 आएगा 9, सॉरी माइनस 9 आ जाएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू माइनस 4। तो ये आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला, एक्स अपॉन वाई अपॉन इज इक्वल टू वन अपॉन अभिषेक बच्चन, एसी लेने चोर बाजार गया। तो वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू टू वन, माइनस का साइन डाल दो, ये हो गया फॉर्मूला रेडी।
लेट अस सॉल्व देम इंडिविजुअली. तो एक्स इज इक्वल अपॉन वाई वन अपॉन, सॉल्व करते हैं बी वन सी टू, बी वन सी टू तो फाइव इंटू माइनस फोर माइनस बी टू सी वन, बी टू सी वन तो माइनस नाइन इंटू टू वन अपॉन ए वन बी टू, ए वन बी टू तो एट इंटू टू माइनस ए टू बी वन, ए टू बी वन डाल दिया वैल्यू. x अपॉन ध्यान से सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा माइनस ट्वेंटी, यह आ जाएगा प्लस एटीन इज इक्वल टू वन अपॉन एट टू जा सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन. एक्स अपॉन माइनस ट्वेंटी प्लस एटीन विल बी माइनस टू, वन अपॉन वन तो x इज इक्वल टू माइनस टू. तो ये आ गया आपका वैल्यू x का. वैसे ही हम क्या करेंगे y का वैल्यू भी ढूंढ लेंगे. तो y अपॉन वन अपॉन तो y ए टू सी वन या सी वन ए टू तो सी वन ए टू तो माइनस नाइन इंटू थ्री माइनस सी टू ए वन तो माइनस फोर इंटू एट. वन अपॉन तो आपको पता है सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन डायरेक्ट लिख रहा हूं. तो वाई अपॉन माइनस नाइन इंटू थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस फोर एट जा थर्टी टू इज इक्वल टू वन अपॉन वन. तो वाई अपॉन ये आ जाएगा प्लस फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन वन तो वाई इज इक्वल टू फाइव. तो ये था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आया, वाई इज इक्वल टू फाइव आया. तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड जो तीन मार्क के लिए एग्जाम में पूछते हैं, ये मेथड बहुत यूजफुल है. जहां पे आपके कोएफिशिएंट बड़े बड़े होते हैं वहां पे आप ये मेथड यूज कर सकते हो. इवन आप देखोगे तो आरडी शर्मा बुक में जहां पे भी बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स है, जहां पे नंबर्स बड़े हैं, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की गई है. सो आई होप आपको ये समझ आया, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एंड अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग.